दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का कट ऑफ किया जाने वाला है। इस वीडियो में गाइस मैं आपको आपके स्टेट रैंक और आपके कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग मैं बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, यूपी में क्या है ना, गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें तो इसमें बीएड के लिए जो है ना लगभग 8,500 के आसपास सीटें रिजर्व हैं ना गवर्नमेंट कॉलेज में, जिसमें से 4,000 सीटें दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व है। ओबीसी के लिए लगभग 2,000 के आसपास है, ईडब्ल्यूएस के लिए 700, एससी के लिए 1,500 और एसटी के लिए 200 के आसपास सीटें रिजर्व है। तो अब हम बात करते हैं कि कितने रैंक पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो देखो गाइस, यहां पर क्या है ना, ओबीसी का जो है दो तरीके का रैंक आता है। एक आएगा ओबीसी में स्टेट रैंक और दूसरा आएगा आपका कैटेगरी रैंक। ईडब्ल्यूएस में सेम वैसा ही आएगा, एससी में भी आता है और एसटी में भी आता है, लेकिन जनरल में केवल एक ही रैंक आता है, वो आता है आपका स्टेट रैंक। अब गाइस, स्टेट रैंक से ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ना कन्फ्यूज होते हैं। कन्फ्यूज कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। स्टेट रैंक लगभग दोस्तों मान लीजिए आपका जो है 8,500 आया है स्टेट रैंक, ठीक ना, 8,500 के आसपास सीटें रिजर्व है। तो जो 8,500 आपका स्टेट रैंक आया है ना, वो आपका सारे कैटेगरी का मिक्स रैंक है। मतलब उसमें 4,500 के आसपास जो है रिजर्व कैटेगरी वालों का भी नाम मिक्स है। तो टोटल आपका जो ओवरऑल आया है स्टेट रैंक, उसमें रिजर्व कैटेगरी के भी लगभग 4,500 स्टूडेंट है, तो इनको जोड़कर आया है। तो अगर आपका 8,500 के आसपास रैंक आया 9,000, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि यहाँ पर तो 4,000 सीटें रिजर्व है, तो 4,000 के आसपास रैंक आएगा तभी मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप इसको घटा दीजिए ना रिजर्व कैटेगरी को, क्योंकि स्टेट रैंक में मिक्स होता है सारा। तो आप 4,500 घटा दीजिए तो आपका यहाँ पर लगभग 4,000 के आसपास ही रैंक आ रहा है। तो इतना आ रहा है ना, तो आपका हो जाएगा गवर्नमेंट में। समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब ओबीसी से आप एग्जैक्ट समझ जाओगे। देखिए, स्टेट रैंक और जो कैटेगरी रैंक है, इसमें अंतर क्या है कि स्टेट रैंक में मिक्स होगा सारा कैटेगरी, और जो आपका कैटेगरी रैंक है उसमें केवल आपके ही कैटेगरी के कितने स्टूडेंट हैं ये बताया जाएगा। तो ओबीसी में दोनों रैंक आएगा। तो मैं आपको कैटेगरी रैंक अकॉर्डिंग बता देता हूँ। अगर आपका ओबीसी का कैटेगरी रैंक लगभग 2,000 के आसपास आ रहा है, ओवरऑल रैंक भी बताऊंगा, ओबीसी से कैटेगरी रैंक अगर आपका 2,000 के आसपास आ रहा है तो आपको इजीली मिल जाएगा, 2,200-2,500 तक पर भी मिल जाएगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट तो दोस्तों अदर कोर्सेज में एडमिशन ले लेते हैं, जैसे बीएलएड में, डीएलएड में, या किसी वजह से एडमिशन नहीं लेते हैं, रिजेक्ट हो जाता है इस वजह से। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका जो है कैटेगरी रैंक 700-800 आ रहा है तो हो जाएगा। एससी की बात करें तो 1,500-1,600-1,700 पर भी हो जाएगा, ठीक है। एसटी, एससी कैटेगरी से रैंक, एसटी में अगर आपका कैटेगरी रैंक 200-250 आ रहा है तो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ओवरऑल रैंक की। तो जनरल में वही मैंने मैक्सिमम आपको बता दिया 9,000 के आसपास, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का एडमिशन रिजेक्ट होता है, अदर कोर्सेज में एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। स्टेट रैंक जिसमें मिक्स होगा, तो वही घटाओगे 4,500 तो 4,000 के आसपास ही आएगा। ओबीसी की बात करें तो आपका स्टेट रैंक अगर यहाँ पर 15,000-20,000 के आसपास भी आ रहा है तो भी आपका हो जाएगा। 25,000 पर भी आपको काउंसलिंग करवा लेना चाहिए गवर्नमेंट के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यही आपका यहाँ पर 16,000-20,000 तक रैंक आएगा अगर स्टेट रैंक, तो आपका हो जाएगा। एससी की बात करें तो यहाँ पर 25,000 से आपका 30,000 पर आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस है। एसटी की बात करें तो यहाँ पर 40 से आपका 45,000 पर। ओके गाइस, बाकी तो दोनों कैटेगरी का रैंक आएगा ही, तो आप जो है कैटेगरी रैंक अकॉर्डिंग ही समझ जाइएगा। यहाँ पर सीट मैंने आपको बता दिया है।